बिलावर कॉन्स्टिट्यूएंसी में डॉक्टर निर्मल सिंह ने काफी काम किया है, ऐसा वो भी क्लेम करते हैं। और कुछ जैसे सड़कें बनी हैं, वहाँ पे एडीसी मिला है, अब सेक्रेटरीट बन रहा है, और भी बहुत सारी चीजें जो लगातार अखबारों के माध्यम से सामने आ रही हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? वक्त बताएगा निर्मल सिंह जी ने कितना काम किया है और ग्राउंड में क्या है। एडीसी की आपने बात की, वो हमने लटके दिया। जब महबूबा मुफ्ती जी बसोली एडीसी का ऐलान किया था तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह जी वहीं थे और ताड़ियां बजा रहे थे, और एक भी शब्द उन्होंने बुला के एडीसी की बात नहीं की। दूसरे दिन उनकी इमीडिएट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा 15 दिन बराबर में बैठेंगे, 15 दिन उनकी सपोर्ट उन्होंने दिया, 15 दिन बराबर वहां मूव रहेगा। हमने संघर्ष किया, लड़ाई की, और उसी दिन रात को 11 बजे आठ निकला। ये बराबर की जो मामला है हमने लड़के दिया है, इसमें निर्मल सिंह जी को क्रेडिट नहीं जाता। एक बार दूसरे आपने रोड्स की बात की है या दूसरे डेवलपमेंट देख रहे हैं, 90% जो रोड्स मेरे टाइम में शुरू हुई थी उनमें एक भी इंच आगे नहीं बढ़ी। कोई भी बुलापर विधानसभा क्षेत्र का कोई गांव नहीं है, कोई हैबिटेशन नहीं है जिसके लिए अंडर पीएमजीएसवाई, नाबार्ड, स्टेट सेक्टर में, डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में हमने रोड्स का काम शुरू किया था। कोई अर्थ वर्क के स्टेज में थी, क्रॉस ड्रेनेज में थी, कहीं सिंगल मेटल हो रही थी, कहीं प्रीमिक्स स्टेज में थी, उसी स्टेज में पड़ी हुई है। महज चंद जो मेन रोड्स में उसमें ब्लैक टैपिंग करके वो ये कहेंगे कि दो या तीन या चार रोड्स में प्रीमिक्स डालने से बराबर के सब रोड्स, बराबर गांव में बसता है, बराबर की लगभग 60 से ज्यादा पंचायत हैं, बराबर टोन के अंदर आप देखें रोड्स की क्या हालत है, बराबर टोन की हालत देखें, हीरानगर टोन के भी दो वार्ड जो बराबर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। कभी मुझे लगता नहीं, निर्मल सिंह जी को भी पता भी होगा कि वार्ड नंबर 1 और 2 इसमें आते हैं। ये सभी चीजें सब देखते हैं। इरिगेशन के प्रोजेक्ट 100 करोड़ से ज्यादा हमने शुरू किए थे। आप 1 इंच भी, 1 kg सीमेंट 2015 से लेके अभी तक नहीं लगा, 14 के बाद हमारी सरकार 1 इंच आ गई, उनकी लंबाई नहीं बढ़ी। ब्रिजेस 31 ब्रिजेस हमने स्टार्ट किए थे, 29 हमने 19 में हमने कंप्लीट कर दिए थे, और लगभग 11-12 ब्रिजेस पेंडिंग थे, वही वही के वही पड़े हैं। मैं नाम लेता हूँ, बेल ब्रिज है आपका, दनुब रोड कालना ब्रिज है, वही पड़ा हुआ है, 1 भी इंच आगे नहीं बढ़े हैं जी। मरून और आपका बाथर ब्रिज है, वही पड़ा है, कटली ब्रिज है, कटली मरून, ये ब्रिज 1 भी इंच आगे नहीं बढ़े हैं। सभी सेंक्शन प्रोजेक्ट थे, स्टेट सेक्टर के प्रोजेक्टाइजेशन में आगे नहीं बढ़े, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। लगभग 42 के करीब हाई स्कूल हमने अपग्रेड किए थे, उनके क्लासेस नहीं बढ़ाए। हाई सेकेंडरी 13 के करीब हमने अपग्रेड किए, उनके क्लासेस नहीं बढ़ाए। प्राइमरी स्कूल उन्होंने बंद कर दी, हमने 350 बनाए थे, लगभग 100 के करीब प्राइमरी स्कूल उन्होंने बंद किया। इसी तरीके से उन्होंने मिडिल स्कूल क्लब करके बंद कर दी, 120 के करीब मिडिल स्कूल हमने बनाए थे। डिग्री कॉलेज का आप देखें, आप स्टाफ नहीं है, इतनी बेड शेप हो गई है, सभी ऑडिटोरियम हमने वहाँ शुरू किए, इतने बड़े प्रोजेक्ट करोड़ों रुपए के हमने वहाँ शुरू, बिलावर यूनिवर्सिटी का कैंपस हमने 2 करोड़ रुपया भी पड़ा है, जो यूनिवर्सिटी के डिस्पोजल पे वो आ गए। तो आज तक लैंड जो हमने आइडेंटिफाई की थी उन्होंने चेंज की, आगे नहीं बढ़ा। बिलावर का नर्सिंग कॉलेज का क्या स्टेटस है, सभी बिलावर का मिनी सेक्टर कम्प्लेक्स का प्रोजेक्ट हमने उस वक्त बनाया, आज तक उसमें काम शुरू नहीं हुआ। एक भी प्रोजेक्ट न्यू वो बताएं, जब पुराने प्रोजेक्ट हमने जो कंप्लीट किए थे उनके आगे बढ़ाएं, महज सिवाय चंद मेन रोड्स में ब्लैक टैपिंग करके, वो कहते हैं बुलाओ देला चक्की की 4 लेन की रोड की बात करते थे। कल भी हमने वहाँ प्रोग्राम किया, आपने प्रेस नोट में देखा होगा कि उसकी हमने डिमांड की है, भला फेंतर से लेके सुखवाड़ा तक 4 लेन की हम डिमांड कर रहे हैं। तो कहाँ किसी इशू में आप देखे हैं, तो सब सेंटर हमने बनाए, बराबर के सब डिस्ट्रिक्ट 23 करोड़ का प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से हमने शुरू किया था, 100 बेड उसका करना था, 30 से लेके आज तक उसका काम ना पहले बंद रखा, फिर थोड़ा सा हमने शोर किया, अब काम शुरू हुआ, आज तक उसमें डॉक्टर्स नहीं है, इतनी बुरी हालत है तो सेवा की पूरी स्टेट के अंदर भी कहूँगा और पर्टिकुलरली ब्लॉक की।